Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ka mauzu hai Miana Ravi. ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और रवि जो है ये असल में उससे बना है रफ्तन से फ़ारसी में चलने के माना. इसी से हम कहते हैं कि अपनी रविश ठीक करो यानी अपना चाल चलन ठीक करो. तो मियाना रवि का तर्जुमा है मतलब ये कि दरमियानी चाल, न बहुत तेज़ और न बिल्कुल ही गोया कीड़े की तरह. तो ये एक लफ्ज़ बहरहाल सादगी के मफहूम में इसको इस्तेमाल किया जाता है और दीन इस्लाम जो है ये सबसे ज़्यादा सादगी का दर्स देता है. तो सादगी के माना असल में ये हैं कि अगर आप की सकत नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, तो आप जो हैं कर्जे मांग के और इधर उधर से छीना झपटी करके अपने प्रोग्राम न करें, बस जैसे हालात हैं उसके मुताबिक करें. और अगर अल्लाह ने पैसा बहुत दिया है तो दिखावा भी ना करें और बिलावजह गोया इसराफ, जैसे इस ज़माने में पैकेज निकले हुए पता नहीं कितने किस्म के खाने. मेरा मतलब ये कि इनके बीच में रहने का नाम है सादगी. लिबास में हो, खाने पीने में हो, रहन सहन में हो, तो फिर और भी मामलात के अंदर मतलब ये कि किसी के साथ अपना राबता ताल्लुक़ रखना है वो भी ये नहीं है कि बिल्कुल ही किसी से मुंह फेरना भी जायज़ नहीं है और किसी पर बिल्कुल अंधा ईमान लाना और उसके ऊपर भरोसा करना वो भी सही नहीं. बीच में रखें. गर्दे की ये लफ्ज़ ऐसा है कि जो हर जगह अप्लाई हो सकता है. तो दरमियाना रवि यानी मियाना रवि जिसको कहा जाता है, इस दीन का नाम भी यही है, दीन वसत. वस्त कहते हैं ना, मतलब ये कि बीच को, सेंट्रल, जो भी आप समझते हैं वस्त के माना, वस्ता, मशरिक़ वस्ता. खैर, मतलब ये है कि बीच का रास्ता जो है ये इस्लाम ने दिया है और इसके अंदर राहत भी है, आराम भी है. इंसान बहुत सी खराबियों से बच जाता है, बुराइयों से. तो अगर हम सुकून और आफियत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इस्लाम ने हमें यही दर्स दिया है कि हम जैसे हालात हैं उसके मुताबिक. बस ये कि अगर हमारे हालात नहीं हैं तो मांग मांग के अपनी पोजीशन दिखाना भी जायज़ नहीं, और अगर हालात हैं तो इतना भी खर्च न करें कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो और वो उसमें दिखावा और नुमाइश पैदा हो जाए. तो बस इसके बीच में रहने का नाम है. तो इस दीन की सारी बुनियाद इसी पर है और अगर इस पर अमल पैरा हो जाए तो कभी भी किसी को कोई परेशानी और मसाइल. इस ज़माने में जैसे एक मशहूर हो गई है ये बात कि जी टेंशन में है. कभी टेंशन का लफ्ज़ सुना ही नहीं था हमने भी, आज अब सुना है, वरना हमें 15-20 साल की उम्र में कभी टेंशन का लफ्ज़ नहीं सुना था. तो ये टेंशन क्या है? जिस डॉक्टर को दिखाएं वो कहता है कि आप कुछ टेंशन है. तो मेरा मतलब ये है कि होती है टेंशन. तो ये टेंशन जो है ये अपनी ही पैदा करता है और अपने, अगर हम अपने आप को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीक़े पर ले आएँ जो गोया सादगी का, जिसमें बल्कि हदीस में आता है कि सादगी जो है ये तो ईमान का हिस्सा है. और तो इसलिए
इस चीज़ को इख्तियार करना, और ये एक ऐसी चीज़ है कि बीइंग ए मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अगर ये करेगा तो जैसे बाकी चीज़ों का फ़ायदा सबके लिए बराबर है। सेब के बारे में है कि ये खून पैदा करता है और खून साले, तो ये नहीं है कि मुसलमान खाएगा तो खून बनेगा और गैर मुस्लिम खाएगा तो नहीं, सेब की तासीर ही यही है। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी तासीर अल्लाह ने सबके लिए बराबर रखी है। तो मियाना रवि इसी का नाम है कि गोया अपने आप को आप खराबियों से बचाएं। और तो एक फॉर एग्जांपल मैं ये बात कह रहा हूँ, फिर वक्फे का भी हो जाएगा। जब किसी से पूछो कि भाई, खुद कहते हैं बाद लोग कि जी मैं मकरूज़ हो गया, कैसे हो गए? कहते हैं बेटी की शादी की थी तो मकरूज़ हो गया। तो आप ईमानदारी से बताइए, बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत हैं, ये कोई मकरूज़ बनाने के लिए पैदा हुई हैं कि बाप मकरूज़ हो जाए? तो बात ये है कि इतनी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं शादी ब्याहों में और इन सब चीज़ों में, तो बहरहाल बेटी के निकाह पे खर्चा होता है सब कुछ, लेकिन इतना नहीं होता कि इंसान कर्ज़े में आ जाए अगर अपनी बिसात अपनी उसमें रह के ये काम करे। ये एक मैंने मिसाल दी है, तो इसलिए कर्ज़े और इन सब चीज़ों से बचने की भी यही सूरत है कि अपनी ज़िंदगी को हम एक्सट्रीमिज़म से बचाएं। एक्सट्रीमिज़म जो है ये इफ़रात तफरीत है कि बिल्कुल लोग पर आ जाएं वो भी सही नहीं, और बिल्कुल हाई उस पर चले जाएं वो भी, उसमें भी दिखावा आ जाता है। और यही वजह है कि जो अकायद और नज़रियात हैं बहरहाल होते हैं, उसमें भी जब एक्सट्रीमिज़म आ जाता है तो आप देखें उसमें फतवे लगने शुरू हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े नफ़रतें। तो इसका मतलब ये है कि एतदाल होना चाहिए। मियाना रवि एतदाल का ही नाम है, और दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा लचक है इस मामले में कि उसके अंदर जो है हम ऐसा रास्ता इख्तियार करें। बस ये कि तरबियत चूँकि नहीं है तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है इंसान आज का मुसलमान जो है उसको ये समझता है कि ये बिल्कुल ही कोई नई चीज़ है। तो असल चीज़ यही है कि सुकून और राहत जो है वो मेरा ख़्याल है कि ख्वाब आवर गोलियों के अंदर नहीं है, टैबलेट में, इसी में है कि दीन का दामन थामें और मियाना रवि इख्तियार करें, तो उसमें बड़ी राहत है। राहत भी है, इज्जत भी है, कामयाबी भी है। बहरहाल एक उसकी तरफ हम जा रहे हैं, वक्फे की तरफ। उसके बाद वक्फे से वापस आके फिर अपनी गुफ्तगू भी करेंगे और सवाल आप जो करें उसे जवाब दिए जाएँ। वापस आ गए अपने प्रोग्राम में। वक्फे से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, हमारे ये बच्चे स्टूडेंट्स बैठे, तो वही एक्सट्रीमिज़म कल मैं बता रहा था। तो अब ये कि सादगी है असल जो मियाना रवि के माना है। अब इस सिलसिले में कोई सवाल करना चाहें तो करें। अस्सलाम वालेकुम माना साहब, मेरा नाम मुताहिर चावला है, मैं साउथ शोर का तालिबे इल्म हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम मियाना रवि इख्तियार करते हुए दीन इस्लाम के दायरे में कैसे रह सकते हैं? दीन इस्लाम के दायरे में रहने के लिए हमें मियाना रवि किस तरह इख्तियार करें बेसिकली? भाई दीन इस्लाम ही असल में तो मियाना रवि का दर्स देता है, जो अगर मुसलमान भी हो और मतलब ये कि मियाना रवि भी हो तो मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा मुसलमान है, वो आप हों मैं हूँ जो भी हो। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो मियाना रवि तो इख्तियार कर सकता है, उसमें गैर मुस्लिम के अंदर भी ये गट्स हैं कि वो इस्लाम की बहुत सी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर वो करेंगे तो उनको दुनिया में तो कामयाबी रहेगी, जाहिर है कि आखिरत में कामयाबी के लिए तो ईमान का होना ज़रूरी है। तो मियाना रवि तो चीज़ ही ऐसी है कि जो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस की है और बताई है हर चीज़ में। मैंने शुरू ही में कह दिया था कि हर शोबे के अंदर ये चीज़ मौजूद है, यहाँ तक कि बीवी बच्चों की मोहब्बत एक फितरी है, लेकिन बीवी बच्चे शौहर ये सब वालदैन, लेकिन इसमें भी कुरान करीम ने कहा है कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को ऊपर रखो,
और ये मोहब्बत करो इनके साथ, जो नहीं करेगा वो मुजरिम होगा, लेकिन इतना नहीं कि फिर अल्लाह और रसूल की भी हदों को पामाल कर दें। तो इसी का नाम मियाना रवि है, सादगी इसी का नाम है। तो जो मियाना रवि इख्तियार करेगा तो वो इस्लाम में यकीनन एक अच्छा शुमार किया जाएगा, और जो मुसलमान होते हुए हर वक्त बस इधर उधर हाथ पैर चलाते रहे, ये भत्ता खोरी और ये सारी चीज़ें इसी पर तो निकल आई कि साहब हालात नहीं है तो लोगों ने ये रास्ते इख्तियार कर लिए, और इसी तरह से जिनके पास पैसा है वो दिखावे में आ गए, तो ये दोनों चीज़ें इस्लाम से मैच नहीं करती। तो मियाना रवि ही असल में नाम इस्लाम का है, और गैर मुस्लिम अगर इसको इख्तियार करेगा तो बस कलमे की कमी होगी, बाकी उसके अंदर जो है हर चीज़ मौजूद होगी। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वानिया मुजफ्फर, मैं आयशा भवानी की तालिबा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, इन सब ने सादगी इख्तियार की थी, तो आज के हुक्मरान इसको कैसे अपना सकते हैं? मैंने रवि को ये बताइएगा भाई, इस इख्तियार तो कर सकते हैं, ये तो हुक्मरानों की कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो सबके लिए है। तो लेकिन हाँ, हुक्मरानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए कि अन्नास वाला दीन मुलूकी, हम लोग अपने बादशाहों की तर्ज पे चलते हैं। बादशाह अगर अय्याश होंगे तो अवाम भी अय्याशी की तरफ जाएगी। बादशाहों में, हेड ऑफ दी स्टेट्स में अगर सादगी होगी तो कौम भी उस, तो ये कौम की एक फितरत है कि वो अपने बादशाहों को फॉलो करते हैं। तो ये तो इख्तियार करना जो है ये अपने इख्तियार में है, और जैसे हजरत अबू बकर, इन हजरात की तरबियत हुई थी तो तरबियत का नतीजा ये था कि इन्होंने करके दिखाया। तो ये नहीं है कि आज तरबियत करने वाले नहीं हैं, तो हमारी अगर तरबियत हो, जो सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो ऐसा निज़ाम कायम करे, ऐसे हालात बनाए कि सब उस तरबियत का हिस्सा बने। लेकिन अगर मसाइल और परेशानियों में झोंक रखा है लोगों को, और बिल्कुल ही मालूम होता है कि औसान खताएं लोगों के, बिजली का मसला, पानी का, इसमें कोई कह दे कि जी आइए हम आपकी तरबियत करेंगे, तो ये इसी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो ज़रूरत इसकी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, ये खुलफाए राश, इन हजरात ने अवाम को सुकून फराहम किया, तहफ़ फराहम किया, तब वो खींचे आए इनकी तरफ और उनकी तरबियत। यहाँ तो अवाम को कोई तहफ़ ही नहीं है। तो आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कि अवाम को सबसे पहले फोकस करते हैं कि इन्हें परेशानी ना हो। यही वजह है कि वहाँ के लोग जो हैं फिर तरबियत की तरफ भी आते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत यही है कि हुकूमतें सादगी इख्तियार करें, और वो उनके बस में है अगर वो चाहें तो, लेकिन वो नहीं करते तो उसकी वजह से कौम पे भी उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। बाकी सादगी ही कामयाबी का राज है। आप कहीं भी दुनिया में देख लें, हमारे मुल्क में इतनी इम्पोर्ट गाड़ियां और ये सारी इम्पोर्ट खुली हुई है, तो हम देख लीजिए किस सतह पर आ गए, और हमसाया मुल्कों ने जो है इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट में ही रहे। तो ये इम्पोर्ट करना जो है, ये मैं समझ, हालांकि मैं कोई उसका तालिब इल्म नहीं हूँ इकोनॉमिक्स का, ये सबसे बड़ी अय्याशी है। अगर हमारी हुकूमतें इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाएं, एक्सपोर्ट करें, तो कोई वजह नहीं है कि बहुत जल्दी हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आ जाएं, जैसा कि हम अपने आस पास ममालिक में देखते हैं। तो ज़रूरत यही है कि इम्पोर्ट पर, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाना रवि का दर्स देना चाहिए, और इस पर वालदैन कम अज़ कम औलाद की तरबियत इसी पर करें, उससे भी अच्छा मुआशरा कायम हो सकता है। बहरहाल यही इसका हासिल है। और कोई सवाल? मेरा नाम अरफाद यासीन है और मैं साउथ शोर का तालिबे इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि
मियाना रवि के हुदूद क्या है, और हम लोग ये महंगाई के ज़माने में जब औरतों से भी बोला जाता है कि सादे ज़िंदगी सादगी अपनाओ, तो वो कहती हैं कि हमारे कपड़े इतने महंगे हो गए, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या मजबूर हैं ये महंगाई की वजह से कि हम लोग सादगी चाह कर भी अपना नहीं सकते? असल में ये बात सही आपने की है कि इस वक्त अगर हम चाहें कि भाई औरतें ये काम कर लें, और बात असल में ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई तो है, लेकिन महंगाई जो है ये भी असल में हुकूमतों की नाअहली की वजह से होती है, वरना ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो जिन पर इंसान की जान और हयात का दारोमदार है, वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, हालांकि वो महंगी हो रही हैं। तो बस ये है कि महंगा होने के बाद तो वैसे भी इंसान सोचता है कि भाई मैं खरीदूं या ना खरीदूं, तो इसलिए ये असल में एक दौड़ लगी हुई है खूब से खूब तरक्की कि मैं उससे आगे हो जाऊं, मैं उससे, तो ये वही तरबियत की का मसला है। तरबियत अगर हो जाए, और हुकूमत को सबसे पहले चाहिए कि इसके अंदर जो है नज़म बनाए, पहले खुद एक नमूना बन के दिखाए, तो आवाम भी इंशाल्लाह उनके पीछे ठीक हो जाएंगे। बहरहाल ये इसका हासिल था जो हमारी गुफ्तगू है। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।